बड़ा जरूरी है समझना कि लोकतंत्र में हर एक को अधिकार होता है बोलने का और अनुशासनात्मक तरीके से बोलना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। मगर आपको बता दूं कि आज मोदी जी के सामने जो है वो मुद्दे हैं, तो मोदीबाजी करेगी भाजपा, मगर मुद्देबाजी करेगी जनता। और मुद्दे कौन से हैं? आपने देखा है कि इनके जो नेता हैं उनकी नियत क्या है। मणिपुर पर वो बोलेंगे नहीं, जो पहलवान बेटियां उनके ऊपर बोलेंगे नहीं, महिला आरक्षण बिल जब आएगा, उस वो कानून बनेगा, तो उसमें कैसा झूठ और प्रपंच डाला जाएगा इसके बारे में बोलेंगे। जब किसान धरने पर बैठेंगे तब नहीं बोलेंगे और उनको संसद में खड़े होकर परजीवी कहेंगे। जब हमारे मजदूर सड़कों पर होंगे कोरोना के काल में, उस समय वो कुछ नहीं बोलेंगे और उनके वकील खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि सड़क पर एक मजदूर नहीं है। तो किसान हो और युवा हो या हमारी बहनें हो, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ये। और जहां तक बात है किसी एक व्यक्ति का नाम आने की, हर नेता का नाम आना चाहिए, आखिरी बात आना चाहिए, लेकिन हम एक संसदीय प्रणाली में रहते हैं, तो नेता आज नहीं चुना जाएगा, चुनावों के बाद।